वेलकम और वेलकम बैक टू ब्लेसिंग चैर आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल हेल्दी हैप्पी सिफ एंड साउंड सो टुडेज रीडन इज़ ऑल अबाउट हो आर यू डेस्टाइंड टू मीट इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ओके अगले साल कम ईयर आप किस से मिलने वाले हैं कौन आपकी किस्मत में होगा कौन आपकी लाइफ में होगा ओके okay? यहाँ पर दो पायल्स हैं अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट्स फाइल वन एंड पायल नंबर टू ओके सो जो लोग एंटिवली पायल चूज़ करते हैं आपके लिए पायल वन ये ब्लू कलर का फैदर एंड पायल टू ये लाइट पर्पल मोव सा कलर है इस कलर के फैदर ओके सो चूज़ योर पायल आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग आपके टाइम सेल्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर हेलो जी हेलो जी हेलो नमस्ते सत शामिलकुम सो फायल नंबर वन अगर आपने पहले ऑप्शन चूज़ करी थी देखते हैं कि कौन रहने वाला है आपकी लाइफ में वो इज स्टे इन योर लाइफ दिस इज़ सेवन ऑफ अर्थ ओके कौन रहने वाला है अगले साल कमिंग ईयर नाइन ऑफ ईयर और आपके पास सेवन ऑफ इयर पायल वन ये एनर्जी बहुत ही आपकी सेल्फ डिफेंस की है ओके okay. और आई थिंक पायल नंबर वन आपको मतलब जो भी मतलब नेक्स्ट आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो पर्सन काफ़ी हद तक मुझे दिखता है कि आपके लिए स्टैंड लेने वाला है ओके आई थिंक कुछ लोगों के केस में ऐसा आपका सीन है कि आपका Uh, मतलब आई थिंक अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो और आपको लगता है कि बात नहीं बनेगी कभी भी या कुछ हर्डल्स हैं प्रॉब्लम्स हैं फैमिली की तरफ से या वटेवर जो भी केस है लेकिन आई बिलीव फाइल नंबर वन की यहाँ पर फाइट्स uh, होती है मैं देख रही हूँ मतलब डिफेंस होता है मैं देख रही हूँ somebody इज़ लिटरली फाइटिंग फॉर यू somebody इज़ फाइटिंग फॉर यू ओके और ये जो फाइट है ये आपके लिए है टू प्रोटेक्ट यू सेवन ऑफ अर्थ अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो डेफिनेटली आई बिलीव कोई एक ऐसी एनर्जी है जो कि लाइफ में आने वाली है और ये एनर्जी ऐसी है कि आप इसको खुद भी नहीं रोक पाओगे क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही कमिटेड है ये एनर्जी बहुत ही जिसे बोलते हैं ना मतलब सिम्बली लिटरली फॉलिंग फॉर यू और ये बंदा आपके लिए खड़ा होगा ये बंदा आपके मतलब यू कांट रेजिस्ट दैम ओके यू लिटरली कैन रेजिस्ट दिस पर्सन तो मुझे आगे ऐसे दिखता है कि मे बी आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं अगला साल लेके आने वाला है सेवन ऑफ एयर एक ऐसी चीज़ एक सरप्राइज़ जो कि आप उसको अभी नहीं जानते इस सरप्राइज़ को आप अभी बिल्कुल भी नहीं जानते हो और आई बिली फ़ाइल नंबर वन कि ये अभी आपको जानना भी नहीं चाहिए क्योंकि दिस इज़ जिस तरह का पुअर टाइमिंग कार्ड आपको डिवाइन का जो भी आपके लिए संदेश है जो भी आपके लिए मैसेज है वो यही है कि अभी आप चुप करके वेट करो क्योंकि ये सरप्राइज़ है और गॉड इसको रिवील नहीं करना चाहते ना अभी आपके लिए आई थिंक आपके लिए भी ठीक नहीं है जानना दूसरी ये पे ड्रीमर एनर्जी है ड्रीमर एनर्जी वो होती है कि अगैन अगैन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यू वुड हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ आपको फेथ रखना पड़ेगा ब्लाइंड ट्रस्ट ज़ीरो नंबर है वैसे भी ड्रीमर कार्ड है आपको बिल्कुल यानी कि फ्री माइंड रहना पड़ेगा आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा क्योंकि डिवाइन इज़ नॉट गोइंग टू रिवील दैट एट ऑफ फायर लेकिन आपको इतनी श्योरिटी डिवाइन दे रहे हैं यहाँ पर कि आपका कोई काम डिले है आपका कोई काम है जो बहुत अरसे से रुका हुआ है चाहे करियर को लेके है चाहे वो मैरिज को लेके है या कंसीव करने के उस केस में है जो भी चीज़ है दो हज़ार चौबीस ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ोर इज़ गोइंग टू बी योर ईयर और यहाँ पर वो डिले ख़त्म हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपके ना इकट्ठे आएँगी आपके लिए बिकॉज इट्स मोर सो मैनी थिंगस आर हैपनिंग टूगैदर और इतनी फास्ट फास्ट चीज़ें चलेंगी कि आपको समझ नहीं आया अरे ये क्या हो रहा है ये क्या नहीं हो रहा दिस इज़ हाव एनर्जी वुड गो इन दिस कनेक्शन यास वहाँ पर इसे कहते हैं ना सर खुजाने का भी टाइम ना होना इतनी ज़्यादा बिजीनेस अगला साल आपके ले, ले, ले के लिए लेके आ रहा है दूसरी तो बात है कि आप यू वॉन्ट बी एबल टू इवन आई नो मेक अ डिसीजन आप डिसीजन भी करने के उसमें नहीं हो गए कि मैं जो है वो क्या डिसीजन करूँ बिकॉज आई एम सीइंग यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट अ बिग कल ओके बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन आपकी लाइफ में कुछ आने वाला है तो मैं वैसे इसको ज़्यादा जो आपके लिए मेडिकल की मैं बात कर रही हूँ ना सरप्राइज की ग्रुप वन के मैं इसको ना ज़्यादा डीप में जान जाना चाह नहीं रही हूँ जा सकती हूँ लेकिन मैं जाना चाह नहीं रही हूँ कि क्या है किस प्रकार का है क्या बात है पता क्यों क्योंकि पीछे मैसेज आया क्या डिवाइन आपको रिवील नहीं करना चाहते ठीक है क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि ब्लाइंड फेथ रखना है तो अगर मैं आपको बता दूंगी या मैं पता करने की कोशिश करूंगी तो फिर ब्लाइंड फेथ वाली बात तो ना ना हुई ठीक है आपको पता चल जाएगा तो कुछ चीज़ें होती हैं उनको ढके छुपे रहने देना चाहिए ताकि वो हों अदरवाइज एनर्जी चेंज हो सकती है मुझे ऐसे लग रहा है कि एनर्जी चेंज हो जाएगी अगर हमने रिवील करने की कोशिश की उस सरप्राइज़ को तो आई थिंक लेट इट बी लाइक इट इज़ जिस तरह गॉड ने रखा हुआ उसको रखे रहने दो और एंड एट द राइट टाइम लेकिन मैं इतना आपको बता सकती हूँ पल वन विद श्योरिटी विद मचोरिटी कि ये सरप्राइज बहुत जल्द आपके पास आएगा और इकट्ठाएगा मतलब हैवी एनर्जी के साथ आएगा और आप देख लेना आप मेरी बात याद करोगे जब आपको समय भी नहीं मिल रहा होगा कि भई अरेंजमेंट्स क्या करना है इतनी खुशी कैसे आ गई है सारे एकदम सेलिब्रेट क्यों करने लगे हैं हाउ इज़ दिस ऑल हैपनिंग तो फिर आपको समझ लगेगी मेरी बात आपको याद आएगी ओके ग्रुप नंबर लेट सी मोवर वट इज़ देयर फॉर यू दिस इज़ दी हर्मिट एनर्जी ओके अगैन आपको यही कहा जा रहा है कि आपको हरमेट uh, एनर्जी में रहो ओके okay? अपने आप में रहो आई थिंक पायल नंबर वन आई थिंक दिस इज़ योर सोल मेड ओके और uh, ए, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपने कुछ नहीं करना हेलमेट एनर्जी के साथ जस्ट बी आलमेट जस्ट बी आप मतलब जहाँ भी आप हो वहीं रहो ओके एंड नाइन ऑफ अर्थ की एनर्जी है नाइन ऑफ अर्थ की एनर्जी वो होती है कि जब आपको तमाम लग्जरीज इस्पेली पैसे के यू you नो know, um, पैसे की ओर से इज़ प्रोवाइडेड ओके आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं एंड दिस इज़ अ सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल आई थिंक कोई नई जॉब आपका वेट कर रही है कोई नई कामयाबी सक्सेस सफलता कुछ ऐसी चीज़ जिसको लेकर आप बहुत सीरियस हो होने जा रहा है दिस इज़ योर डेस्टिनी लाइफ एक्सपीरियंस देखो सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट ओ माई गॉड एवरी वेयर इस इज पावरफुल पावरफुल रेवोल्यूशन दैट लीड्स टू चेंज ओके बहुत पावरफुल रिवील हो गया आई थिंक यू नीड टू क्लेम दिस पावरफुल चेंज हर कार्ड में ये एनर्जी है इतनी एनर्जी आती नहीं है नॉर्मली बट आ रही है आपके प्रकार तो आई थिंक आपको ये क्लेम करनी चाहिए बहुत ही नई एनर्जी है बहुत ही um, फ्रेश एनर्जी है एंड ऑल्सो फीलिंग वरी एनर्जेटिक आपको बताते हुए आई थिंक आने वाले कुछ दिनों में आपसे आपको कोई नया कनेक्शन मिलेगा कोई ऐसा बंदा या बंदी आपके कांटेक्ट में आने वाला है जो कि बड़ा क्यूरियस होगा क्यूरियस नेचर का इम्पल्सिव हो सकता है क्यूरियस हो सकता है लेकिन होगा ऑनेस्ट थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये बंदा कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल है कोई ज़्यादा लॉजिक्स की बात करता है ओके okay? तो आई थिंक इस पर्सन के साथ जो आपका कम्युनिकेशन रहेगा इसकी बेस पर आपको वो सरप्राइज़ मिलेगा या फीमेल भी हो सकती हैं हमें मेल भी हो सकते हैं एंड वज सी वट इज़ मोर किंग ऑफ अर्थ आने वाले कुछ दिनों में आपके आपके फादर के साथ या फादर फिगर जो भी एक्टिंग पेरेंट हैं आपके उनके साथ कोई बहुत ही प्रोफेशनल टॉक हो सकती है और काफ़ी प्रैक्टिकल बेस्ड ये चीज़ें होंगी आई थिंक ये भी हो सकता है पायल वन के आपके फादर कोई रिश्ता देखें उन्होंने कहीं बात चलाई भी हो तो दिस इज़ ऑल्सो हैव हाई एनर्जी हेयर फॉर पायल नंबर वन थ्री ऑफ एयर इट्स टाइम टू हील योर वॉन्डिड हार्ट पायल नंबर वन जिसने आपका दिल तोड़ा फोड़ा जो भी जिसने जो भी किया इट्स टाइम फॉर यू टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ अपना दिल जो टूटा हुआ है उसको जोड़ो कुछ ज़रूरत नहीं है परेशान ज़्यादा होने की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हो फिर चीज़ें नहीं होती अकॉर्डिंग टू योर विश फिर आप रोते हो ठीक है जो हो रहा है होने दो और जो होगा बेस्ट होगा आई बिलीव के आपके लिए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं ओके फाइव ऑफ एयर कोई ज़रूरत नहीं है लड़ने झगड़ने की किसी से कोई छोड़ कर जा रहा है उसको जाने दो क्योंकि आई थिंक दिस इज़ न्यू एनर्जी कोई आ रहा आने दो कोई जा रहा है जाने दो जितने ओपन रहोगे जितने खुले रहोगे जितने है आपके लिए जो रखा हुआ लाइफ में उसके लिए वेलकमिंग हो गए उतना ज़्यादा आपको आपकी ज़िंदगी में ब्लैसिंग्स मिलेंगी उतनी और अबंडेंस आएगी आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ना ज़रूरत नहीं है ठीक है ये बंदा जो है टू ऑफ फर्थ में भी आपके जो है नाम क्या बोलता है वर्क जॉब वर्क स्टडी जिधर जाते हो आप उससे रिलेटेड हो सकता है वहाँ पर होगा हो सकता है यहाँ पे ये बंदा बहुत ज़्यादा काम करता है बहुत ज़्यादा मतलब दो दो जॉब्स या पार्ट टाइम जॉब्स इस तरह के काफ़ी वर्क पर्सन है दूसरी बात है कि आपके लिए दो दफ़ा टू टू की एनर्जी आई है टू फर्क नीचे सोर्स की भी आई थी तो आई बिलीव आपको दो लोगों में दो चॉइसेस में से एक चॉइस करनी पड़ेगी ये दो रास्ते हो सकते हैं दो लोग हो सकते हैं सो so, चीज़ें है काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके हाथ में चॉइस होगी आप क्या चाहते हो ओके okay? सो आई जस्ट वॉन्ट टू सी कौन है यान की क्या एनर्जी है आप किस से डेस्टाइंड हो मिलने के अगले साल परसेप्शन हार्ट हीलिंग ये बंदा आपका दिल का ना जिसे बोलते हैं ना हीलिंग हीलर हीलर है ये हीलर और दिस इज फॉर श्योर पाई लम्बर वन ये है ही कार्ड हार्ट चक्रा का ना इफ़ यू सी दिस ग्रीन लाइट ये कार्ड हार का, ही हार्ट चक्रा का है नंग हार्ट इज हीलिंग ओके So, yeah, काफ़ी अच्छी बात है काफ़ी अगेन हार्ट चक्र का कार्ड है ग्रीन विच इज़ ग्रोथ ठीक है दिस ग्रोथ इज़ अबाउट योर मेरे कल लाइफ आपके फाइनेसिस भी ग्रो होंगे और आपकी फैमिली भी ग्रो होगी ठीक है आई थिंक दिस इज़ मैरिज इंडिकेशन मुझे ऐसे दिख रहा है मैरिज का इंडिकेशन है और सर्विस जॉब का भी यहाँ पे इंडिकेशन है ठीक है तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है ये साल पाइल नंबर वन ओके, कमिंग रिर, एनर्जी पाइल वन आई थिंक किसी का सही चेहरा रियल फेस सामने आने वाला है किसी ने आपको धोखा दिया है बहुत अरसे से आपको आपका फ़ायदा उठाता रहा है उसका असल चेहरा आपको नहीं पता था कि क्या चीज़ है ओके दैट इज़ ग मैन आप वो अब आ रहा है आपके सामने ओके okay, हो सकता है फॉर द टाइम बिंग आपको उसका दुख लगे आपको रो या आपको लगे मेरा सब कुछ छीन गया बट दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़ ठीक है पाइल नंबर वन ये बात मेरी याद रखना हमेशा कि हमेशा गमी के बाद खुशी आती है खुशी और गमी गमी और ख़ुशी सब इंटरकनेक्टेड होता है तो बारियाँ लगती रहती हैं सेम कभी भी नहीं समय रहता ये बात मेरी याद रखना हमेशा ठीक है ना तो अभी अगर आप आइसोलेशन में जाना चाहते हो अपने आप पे काम करना चाहते हो या अगर आप चाहते हो मैं अपना करियर बना लूँ उतनी देर क्योंकि मैं आपको एक बार बता दूँ फाइल नंबर वन पहले भी रीडिंग्स में एक दो दफ़ा ये चीज़ आई है तो कि अगले साल ठीक है आपकी लाइफ इतनी बिजी हो जानी है इतनी सब कुछ इकट्ठा से आपके ऊपर लग ज़िम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जा आ जाएंगी कि आपको समय नहीं मिलना ख़ुद पे वर्क करने का ख़ुद पे तवज्जो देने का खुद की लाइक ब्यूटी पे या वेट लॉस करना है या हेल्थ कोई इशू है उसको सही करना है बालों का मसला जो भी सीन है या करियर का मसला आपको नहीं समय मिलना इसलिए जो करना है अभी से कर लो ओके इसी कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन अगले साल <laughs> बहुत यहाँ पे मुझे हसल एंड बसल बहुत ही गैमा गैमी जिसे बोलते हैं बहुत सारे मेहमान बहुत सारे गेस्ट्स आते दिख रहे हैं आई थिंक आपका रिश्ता मुझे लग रहा है बात चलेगी कोई बहुत सीरियस और उन लोगों का काफ़ी आना जाना रहेगा सो so, यस yes, काफ़ी हद हाँ तक मुझे अरेंज मैरिज लग रही है या फिर लव कम अरेंज है बिकॉज मुझे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस लग रहा है ठीक है ना एन वी इट्स रिवर्स आई थिंक आपको कोई नज़र लगी हुई थी या आपको कोई ना किसी की यू नो वी आई या जेलेस एनर्जी नेगेटिव एनर्जीज तो वो रिवर्स हो रही है वो रिवर्स हो गई है आई डोंट नो हाउ भी भी आपकी जो है, उन्होंने कुछ किया है कुछ यू you नो know, कुछ इस तरह का कुछ सीन है लेकिन या फिर आपके फादर का सो प्रोकन हार्ट भी रिवर्स है ठीक है दिल आपको टूटा हुआ था ना ये सिलने वाला है ओके सो क्लेम दिस थिंग इस तरह की जिंदगी होने वाली है भाई ये फाइल नंबर वन की सो so आपके पार्टनर और आप हमेशा इकट्ठे रहने वाले हो और ऑल्सो मुझे ऐसे दिखता है कि ये बंदा आपके ऊपर जिसे बोलते हैं ना जान छिड़कने वाला दैट इज़ थिंग आई कैन सी सो काफ़ी हाई वाइब्रेशन है इसकी ग्रुप नंबर वन की कॉन्ट्रैक्ट इज रिवर्सिंग आई थिंक मे बी आपके पर्सन को किसी रिलेशनशिप से निकल के आपकी ओर आना पड़ेगा या डाइवोर्स लेके या किसी को छोड़ के ठीक है सो इट डजेंट मैटर इससे आपकी आपका मसला नहीं है या आपकी टेंशन नहीं है उसने जो करना है वो करेगा आपको जो डिवाइन अपॉर्चुनिटी दी है आप उस पर फोकस करो ठीक है ना पेशेंस ठीक है पेशेंस रखो और ज़्यादा ओवर मतलब रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है याद तभी तो आए जिस भी ग्रेटफुल टू गॉड गॉड ने भेजा ना तो गॉड की सबसे पहली वो है ग्रेटफुलनेस ठीक है ना और कोई ग्रेट नहीं सै गॉड के तो आ, हमेशा आ जो रिलेशनशिप विद जो गॉड जो वो मजबूत रखो हमेशा उसको प्रायोरिटी दो अदरवाइज़ अगर हम ये जो हमारे मटीरियल रिलेशनशिप्स हैं जब हम इनको प्रायोरिटाइज़ ज़्यादा करने लग जाते हैं गॉड को नहीं गॉड को हम भूल जाते हैं तो ही हमारे रिलेशनशिप्स में खराबियां शुरू होती हैं ओके okay? तो आगे चलते हैं हम देखते हैं इस पर्सन के वाली एनर्जी क्या है राइट पायल नंबर वन लेट्स सी एनर्जी ऑफ दिस पर्सन पहले मैं यहां से कुछ चीजें देखूँ थोड़े ही लूंगी आज वट इज़ द एनर्जी ऑफ फाइल वंस परसन मिस यूज सो मच के मैरिज प्रपोजल देखा मैं आपसे उस वक्त से बोल रही हूँ ना कि कुछ है मुझे वही बारी है मैरिज प्रपोजल की उसे है क्लासी ड्रेसिंग सेंस एंड दिस इज वर्कआउट वर्कआउट फ्री है वर्कआउट करना पसंद है डू नॉट चेज ठीक है मैंने आपको बोला था उनसे अपसेस नहीं होना सिर्फ गॉड से कनेक्शन आपने स्ट्रॉन्ग रखना है आपको की बता रही हूँ रिलेशनशिप्स को रखने की आ, मतलब ठीक कभी कनेक्शन टूटे ना ठीक है इंडिया है यहाँ पर तो इंडिया से हो सकते हैं ये फेमस हो सकते हैं फेम है होम डिलीवरी का कुछ कनेक्शन होगा आई डोंट नो मे बी आपको कुछ फ्लावर्स या गिफ्ट्स होम डिलीवर करें इस तरह भेजें हाई स्कूल वर्को एनर्जी वर्को का मतलब ये नहीं कि उनका स्टार ही वर्को है इसका मतलब है कि बहुत थॉटफुल है ये बंदा बहुत थॉटफुल है वाइट कार ठीक है सफ़ेद कलर की गाड़ी और डेट uh, ऑफ बर्थ इनकी एक से लेकर सात के बीच हो सकती है ग्रुप नंबर वन कूल पर्सन है भाई कूल कूल पर्सन आज और सर दिस इज़ डिनर डेट पसंद भी आपको हो, हो सकता है लेके जाए या हो सकता है डिनर पे इनवाइटेड हो कोई फैमिली आपके घर में वो लोग ये हों इस तरह की कोई चीज़ इस तरह की हो सकती है गुड लुक्स डर लुकिंग है भाई वाह जी वाह <laughs> मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता नहीं देख सकता सो दिस इज देयर एनर्जी आई वॉन्ट टू सी देयर जोड़ियक साइन लिब्रा लियो फायर साइन है अक्वेरियस ठीक है जमनाई And again, Leo Akhri Dafa. I just want to see this one last time. Aries. Okay, Aries. So name initial of your person. Let's see their name initials. So, so group number one. This is M. बी एन ए सो मे बी दिस इज़ अ एम बी ए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्स वाई ई एन जी ऑल्सो एक्स वाई जी बहुत ही रेजोनिश नहीं हो रही है नियमी शन ई एन जी ओके ऑल्सो या सो दैर्ट्स इट फोर टुडे ग्रुप नंबर नेक्स्ट टाइम एंड टेक केयर बाय हेमा लव हलो पायल नंबर टू अगर आपने सेकेंड वाली ऑप्शन चूज़ करी थी आपका सेकेंड पायल है तो यह है आपकी रेटिंग किससे मिलने वाले हों आप ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ोर में ओके ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कौन सा रहने वाला है आपका ईयर कैसा रहने वाला है क्या आपका किससे मिलने वाले हो वो आर यू डेस्टाइंड टू मीट किंग ऑफ़ फायर ओके गाइस किंग ऑफ फायर की एनर्जी है यहाँ जो है बहुत ही हॉट हॉट एट ऑफ फायर सॉरी एट ऑफ वाटर एंड दिस स्टार एनर्जी वाव फाइल नंबर टू अगले साल मुझे दिखता है कि यहाँ पर जो एनर्जी है पॉसिबिलिटी uh, है गाइस कि ये बंदा या बंदी या तो आप अब्रॉड जाओगे या ये अब्रॉड से आया होगा सम अब्रॉड वाइब इज़ हेयर एक्सट्रीमली अब्रॉड वाइब यहाँ पे यहाँ पे किंग ऑफ फायर की एनर्जी है ये बंदा बहुत पावर पोजीशन पे होगा मटीरियल रिच होगा और ना इसके जो आप यहाँ मतलब जो ये काम करता है ना प्रोफेशन प्रोफेशन वाइज वो बहुत ही हाई क्लास है क्योंकि यहाँ स्टार कार्ड भी है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है ये बंदा हो सकता है आप आपके घर से बहुत दूर रहता हूँ इतना दूर कि आप मतलब आपको लिटरली लेनी पड़ेगी कोई सच्ची मुची की कोई कन्वीनस लेनी पड़ेगी आप पैदल नहीं जा सकते करीब ये नहीं है और कुछ लोगों के केस में तो बहुत दूर है लाइक लिटरली आउट ऑफ सिटी आपको ट्रेन या प्लेन लेके जाना पड़ेगा सो so, यहाँ पर यह सी सी वाइब है ओके okay? यहाँ से तो अब्रॉड में है तो आई थिंक काफ़ी देर आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी रह सकता है या ऑलरेडी आप किसी के साथ डेट करो जो ऑलरेडी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप लोगों और मोबाइल और व्हाट्सएप और ई मेल्स इस तरह से आप लोगों का कम्यूनिकेशन रहता है और सब फॉर दिस कनेक्शन फायल नंबर टू मुझे भी लगता है कि बंदा बड़ा क्रिजमेटिक है एम्बीशस भी है और यहाँ पर देखो सिर्फ व पॉइंट वन परसेंट पॉसिबिलिटी है लेकिन है आई तो थिंक सेम्बर डे इज़ लिसनिंग कुछ लोगों का केस में हो सकता ये famous है ये बंदा फेमस है सेलेब्रिटी okay? है ओके और यहाँ सोशल मीडिया इन्फ्लुन्सर कुछ भी इनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं फैंस वगैरह हैं ओके इसलिए भी आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं यहाँ जो भी कैसा है लेकिन ये दिस पर्सन इज़ योर्स ठीक है स्टार कार्ड है दिस इज डेस्टनी सो दिस इज हाउ आई बिलीव इज़ फॉर पार्ट टू और सो दिस इज़ टेन ऑफ अर्थ ये एनर्जी वो है कि जहाँ पर बहुत हैप्पी फैमिली है फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और यहाँ पर मतलब हो सकता है कि जो फैमिली है वो भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा हों मतलब एपकॉट बिग फैमिली परिवार काफ़ी बड़ा है और ये लोग बड़ा सेलिब्रेट करते हैं हर चीज़ को ये मैं कुछ इंडिकेशंस बता रही हूँ उनके हो सकता है फोरफ यू पे केसेस इनकी दो सिस्टर्स हों दो बहनें या दो भाई मतलब एक ही जेंडर के दो सिबलिंग होंगे इनके इनसे छोटे या बड़े वटेवर ठीक है जैसे दो भाई हो सकते हैं दो बहनें हो सकती हैं सो दिस इज़ ह्यूज केस और सो यहाँ पर एक और भी इंडिकेशन है इनके फैमिली में दो छोटे बच्चे भी हो सकते हैं दो छोटे बच्चे मतलब तो दो साल का तीन साल का या मे भी गोद में जो बच्चा होता हो। so, है वो सो और दिस इज़ नाइट ऑफ फायर ये बंदा बहुत ख़ुद भी बहुत एडवेंचरस है ये बंदा बहुत रेस्टलेस है ये बंदा काफ़ी मतलब ये रिस्क लेना जानता है और इसने ज़िंदगी में रिस्क भी लिए हैं एडवेंचरस बड़ा पैशन बड़ा इसको ये करना है वो करना है हर रोज़ एक नया ड्रीम लेकिन ये खाली ड्रीमर नहीं है क्योंकि काफ़ी साइन आ रहे हैं और अरसाइन के साथ आया है आई थिंक ये उन ड्रीम्स को फुलफ़िल भी करता है किंग ऑफ एयर हाँ प्रैक्टिकल है डिप्लोमेटिक है बोल चाल में तो उफ, इसको कोई हरा नहीं सकता बहुत अच्छी कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं बोलता बहुत अच्छा है कॉन्फिडेंस से बोलता है और ये काफ़ी प्रोफेशनल है स्पीकिंग में तो मे बी न्यूज़ बोलने आई थिंक दिस इज स्पेसिफिक मैसेज कुछ आई थिंक न्यूज़ कास्टिंग या मे बी मे बी यूट्यूबर या बहरहाल काफ़ी इनका बोलने से ताल्लुक जर्नलिज़म ठीक है या समथिंग टू डू विथ सेल्स तो काफ़ी अच्छी इनकी स्किल्स हैं फोर ऑफ़ कप्स बस दिस इज़ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज़ अ न्यू पॉसिबिलिटी आपको मैसेज यहाँ पे डायरेक्ट आया यूनिवर्स का कि ओपन योर आइज़ टू द न्यू पॉसिबिलिटीज़ आंखें बंद करके बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है या डिसकंटेनमेंट में बोर्डोर में कि मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी की भी मिस हो गई मेरे से फ़िला अपॉर्चुनिटी तब न्यू अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं आएगी आप लोगों के लिए मैं आपको मैसेज पढ़ा देती हूँ वैसे बहुत सारे आप लोग व्यूअर्स हैं मेरे जो कि डिसअपॉइंट uh, हो चुके हैं लाइक like, लिटरली अगर आप ये पढ़ सको लेट मी मेक इट क्लोज देखो क्या लिखा है मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी डिसकंटेंटमेंट और बॉडम ये आपका हाल है एंड यू थिंग ओपन यू देखो मैसेज ओपन योर आइज टू पॉसिबिलिटीज़ के जो हो सकता है उसके लिए आप अपनी आंखें खोलो ठीक है तो मैं आपको मैंने इसलिए पढ़ाया है मैसेज क्योंकि आपको अगर बिलीफ नहीं है तो यू नीड टू डू दैट ओके अच्छा जी आगे चल के देखते हैं कि आगे आप आपके लिए क्या मैसेज है कौन है नाइट ऑफ अर्थ बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है ये लॉयल है काइंड होगा आपके साथ ऑनरेबल है इसकी बहुत सारे लोग इज़्ज़त भी करते हैं रिस्पेक्ट और ये खुद भी लोगों की काफ़ी रिस्पेक्ट करता है उसी चाहिए कि बंदा बड़ा डाउन टू अर्थ है और अपनी कमिटमेंट्स को बहुत ऑनर करता है कि मैंने कमिटमेंट दिया है तो आई हैव टू बी लाइक दैट ओके सो ये बंदे की स्ट्रेंथ ये है कि ये स्ट्रेंथ इन्हें कह ली थी स्ट्रेंथ ही आड आ गया ओके okay? तो इनर स्ट्रेंथ इनकी है ओके okay? और ये जजमेंटल नहीं है इसकी ये स्ट्रेंथ है ये कभी किसी की बैक बैटिंग नहीं करेगा कभी किसी की बुराइयाँ नहीं करेगा आपके सामने और बड़ा फर्गविंग है ठीक है तो अगर आई थिंक समबड़ी स्ट्रेंथ रिगार्डिंग द वर्जिनिटी प्रॉब्लम आई डोंट थिंक सो पायल नंबर टू कि इनको कोई ज़्यादा ऐसा इशू है कि वर इफ़ यू आर वर्जन और नॉट ओके सो बी रिलैक्स जस्ट गिव योर सेल्फ गुड शॉट और uh, मतलब अपना लाइफ को एक नया चांस तो इट्स ओके जो हो गया सो हो गया ठीक है अपना जो बचपन का आपका जो जंगर सेल्फ होता है ना उसको माफ़ कर दिया उससे गलतियाँ हो जाती हैं ठीक है सो बी कम्पेशनेट बी यू नो फॉर गिविंग दूसरी चीज़ है यहाँ पर नाइन ऑफ वाटर um, आई थिंक कोई ऐसा कंसर्न नहीं है कि जो ऐसा कोई कंसर्नड आपको टेंशन वाली बात नहीं है बाइल नंबर टू जितनी टेंशन आपने ली भी है ना उतनी टेंशन वाली बात है कोई नहीं ये मैं बता दूँ बाइल नंबर टू आपको और आपकी विश कम ट्रू यह है या जैसे आपको विश चाहिए जैसे आपकी विश थी जैसे आप चाहते थे पर पार्टनर दिस इज़ योर विश कम ट्रू डेट ऑफ अर्थ दूसरी चीज़ यह है कि वर्क हॉलिक है भी काम में बिज़ी रहने वाला है इसको इतना घरेलू मसलों में इतना पढ़ने का शौक़ नहीं है और काफ़ी स्टूडियस भी था ये अपनी पढ़ाई के ज़माने में <coughs> तो ये चीज़ मैं दिख रही हूँ यहाँ दूसरे यहाँ हरमेट एनर्जी है हाँ भाई ये बहुत ही पढ़ाकू बच्चा रहा है अपनी ज़िंदगी में ठीक है और बहुत ही अकेलापन या बोलो तो उसको अकेला रहना पसंद है इंट्रोवर्ट है पार्टीज करना बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्त इतने ज़्यादा नहीं हैं लिमिटेड सर्कल है शायद कोई एक दो दोस्त हो इनका जो बचपन से इनके साथ है बस इसके अलावा ये बंदे की ऐसी हैबिट है कि इसको सेल्फ डिस्कवरी पसंद है मतलब इसको ख़ुद में खुद की दुनिया में रहना बहुत पसंद है एज़ कम्पेयर टू दूसरों की ज़िंदगी में जा के बंदा उन लोगों की ज़िंदगी में जहर गोले ऐसा ये नहीं है ठीक है बड़े इनके हाई वैल्यूज़ हैं मुझे दिखता है पहले नंबर टू काफ़ी हाई ऑनर्ड हाईली ऑनर्ड मैन है ये हाँ uh, प्रैक्टिकल आपके लिए कुछ करना आपको अटेंशन देना ये इनकी लव लैंग्वेज होगी आपके लिए भी आपके लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट्स इनके गिफ्ट्स ये ले के आए और आपको कोई हो सकता है आपको कोई पेट गिफ्ट करें प्यारा सा ना अगर जो आपको पसंद है अगर आप चाहते हो जैसे कोई पपी छोटा सा या uh, किटन या रैबिट ठीक yeah. है या आपके पास कोई ऐसा पेट है जिसको ये बहुत ज़्यादा जिस प्यार करते हैं इनको पसंद है इस तरह को चीज़ है पेट से रिलेटेड ऑलो पर्सन आपको आई थिंक ये बंदा आपको जानने की कोशिश करता है या करेगा और हो सकता है ये बंदा आपके फैमिली से भी मिले बहुत जल्द क्योंकि तो उनको आपसे करनी है शादी और ये चाहते हैं कि मतलब मैं इसको पहले जान लूँ ये क्या है और उनकी ले लव लैंग्वेज भी यही है आपको गिफ्ट देना अगैन यहाँ पे गिफ्ट देने का मैसेज आया है और इनको आपकी आवाज़ बहुत पसंद होगी बहुत पसंद होगी आपकी आवाज़ और एक्सप्रेसिव भी होगा जो ये चाहते हैं ये आपको बताएंगे कि तो भाई मैं तुमसे ये चाहता हूँ ओके दूसरी तो चीज़ ये है कि यह आपको मतलब यू नो दिस द वन के जो मोहब्बत देना जानता है इसको पता है कि अगर मोहब्बत दी तो रिसीव होगी अगर नहीं दी तो नहीं होगी कुछ लोग होते हैं ना वो कहते हैं बस मेरी मानो और मैं तुम्हें इन रिटर्न कुछ नहीं दे रहा बस तुम मेरी केयर भी करो तुम मेरी खिदमत भी करो तुम जो हो ना मेरे लिए सब कुछ करो और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा बदले में तो ये ऐसा है नहीं ये गिवर है गिवर है ये और बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं यहाँ पर इनके गिवर होने के और बहुत काफी कोई हाई पॉसिबिलिटी पालाम ओके ये पर्सन मुझे दिखता है कि मे बी ऐसा इंसान है कि जिसने काफ़ी लोगों की ना मास लेवल पे मदद भी की है बहुत सारे मतलब हाई लेवल पर ओके सो इफ़ यू वांट टू नो कि कौन सी कंट्री से हैं क्योंकि मैंने शुरू में बोला था कि मे ये फॉरेन कंट्री से हों ट टू नो सो यहाँ पे इंग्लैंड है और यहाँ पे इसराइल है अगैन इंग्लैंड दूसरा है जापान ऑस्ट्रेलिया कैनेडा अगैन कैनेडा एंड मैक्सिको यूरोप एंड सिंगापुर एंड इटली ओके ये ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज आई हैं यूरोपियन कंट्रीज़ आई हैं यहाँ पे सिंगापुर था और जापान फ्रॉम ईस्ट ओके सो आई जस्ट वान्स टू नो मोर अबाउट योर पर्सन दे आर साइन सो यहाँ जोड़ियक साइन में है इनका सैजिटेरियस की एनर्जी है पायल नंबर टू की लिया स्पाइसिस hmm, ये है भी पर को अगैन ये लियो एंड कैप्रिकॉन और फाइनली हम देखेंगे यहाँ ये भी टॉरस है ठीक है टॉरस ओके मिस्ट्री बॉल से देख लिया आपके लिए क्या मैसेज है ओके Okay, आपके लिए मैसेजेस क्या है पहल नंबर टू के लिए ओके okay जी पहल नंबर टू लेट्स सी मोर अबाउट योर वन ज्वेलरी इनको पहननी पसंद है मे बी चेन या यू नो रिंग्स वगैरह दिस स्मेल रियली नाइस विच इज़ आई थिंक काफ़ी हाइजीन का ख्याल रखते हैं अपने बाउसी हेयर है इनके बाल काफ़ी अच्छे हैं बाउसी है साइन हो सकते हैं एरीज लियो एंड सीट बिग ड्रीम्स काफ़ी बड़े बड़े इनके ख्वाब हैं काफ़ी यू नो उनकी अच्छी वो है साइकिक एबिलिटीज़ हैं इनके पास काफ़ी आई थिंक ट्यूटि हो सकते हैं ब्लॉन्ड या लाइट कलर हेयर या हो सकता है डाई करती हूँ ये या आप करती हैं आई डोंट नो हेल्दी माइंड एंड बॉडी ओके दिस इज़ एमरजेंसी नंबर दिस इज़ यूनिवर्स कॉल तो आई थिंक समथिंग अर्जेंट इज गोइंग टू हैपन वेरी सुन लिब्रा के लिए है भी मीडियम हाइट ठीक है बंदे की मीडियम हाइट है डेट ऑफ बर्थ बाईस से इकतीस यानी ट्वेंटी टू से थर्टी वन के बीच इनकी डेट ऑफ बर्थ तो हो सकती है वियतनाम कंट्री एक्वेरियस ओके बैलेंस योर मैस्कुलर एंड फैमिली साइड पाइल नंबर टू आपके लिए मैसेज आए ठीक है तो आपने अपने फैमिली साइड का भी ख्याल रखो मतलब योर लुक्स योर हेल्थ योर बॉडी ठीक है और मैस्कुल साइड का भी मतलब योर करियर आपको पता होना चाहिए कि आपने सबसे पहले खुद को खुद संभालना है फिर कोई आके संभालेगा इन दोनों चीज़ों का होना चाहिए बैलेंस तो आर्मी में वाइब है मे बी आर्मी मैन हो ये इनकी आवाज बहुत डीप होगी हैविंग डीप वॉइस एट अ कॉन्सर्ट किसी कॉन्सर्ट या सोशल गैदरिंग में हो सकता है आप मिले एंटरटेनमेंट काफ़ी इंटरटेनिंग है या इनका प्रोफेशन है एंटरटेनमेंट से डेट ऑफ बर्थ बिटवीन एट टू फोरटीन टीचर हो सकते हैं ये टीचर डील्स इन ऑयल्स पेट्रोल्स या गैसोलीन गैस इस टाइप का कुछ इनका बिजनेस हो या काम करते हों किसी ऐसी फर्म में कंपनी में हिल स्टेशन पे मुलाकात हो सकती है या वैसे वेकेशन पे आप कहीं गए हो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं फॉर अ फ्यू जस्ट फॉर अ फ्यू ओके बैंक मैनेजर या कैशियर या अकाउंटेंट फैमिली पर्सन और है जी यहाँ पेट लवर ठीक है इनको पेट्स से बहुत प्यार है मैंने आपको पहले रीडिंग में भी बता दिया है तो काफ़ी पेट लवर है ये और सर जी आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट योर पर्सन क्या इनका सीन है फाइल नंबर टू आई वॉन्ट टू सी सम यू नो दिस का यू सो यहाँ पे है भी ड्रीम गर्ल ओके तो आई थिंक आप इनके ड्रीम गर्ल हो अक्वायरियस बार बार आ रहा है एक्वेरियस पता नहीं क्यों समज एक्वायरियस या टेन नंबर दिस इज कंप्लीशन वेन्यू साइकिल्स स्टार्ट ओके दिस इज़ फाइसीज दिस नहीं पाई से कहाँ गया अभी आ जाता है दोबारा से आई थिंक उसने फेस टर्न कर लिया हेल दिस इज़ इनफिनिटी साइन दिस इज़ इन फाइनइट अबेंडेंस ओके दिस इज़ ट्रिपल थ्री जब आपके साथ गॉड की ताकत शक्ति होती है ये एंजल नंबर आपको यह मैसेज देता है ओके okay? ज़ीरो से स्टार्ट है आपके पास कार्ड भी था जीरो का बहुत सबसे पहले आया था अगर आप बस करके देखो तो दिस इज़ योर ज़ीरो नंबर व्हेन योर लाइफ स्टार्ट फ्राम स्क्रैच ज़ीरो से ठीक है निशा है दिस दिस इज स्कॉर्पियो दिस इज़ कैंसर दिस इज़ आई एम मिस यू एंड दिस इज़ लाइक लव ओके दिस इज़ लव So yeah. Alright, let's see name initials of your person. Okay, number two. Name initials, what can possible? Okay, this is T, S, W, M, Z, and F. L Q R G E N C C. Okay, G, that's it for today, group number two. I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye.